हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा एंड आप देख सकते हैं कि आज मैं अपने चैनल पे जो प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रही हूँ, दे ऑल आर यूटेंसिल्स फ्रॉम माय किचन। इससे पहले भी मैं इन दो प्रोडक्ट्स की रिव्यू, डिटेल रिव्यू अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, बट मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इनको यूज़ करने के बाद अपना रिव्यू शेयर करूँ। सो आई हैव कम विद ऑल माय कुकिंग यूटेंसिल्स फ्रॉम फ्यूचुरा ब्रांड टू रिव्यू टुडे। इन बर्तनों को यूज़ करते हुए अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, सो अब मैं इन्हें और बेटर अच्छे से रिव्यू कर पाऊँगी। बट बिफोर आई स्टार्ट रिव्यूइंग, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, बिकॉज आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस कुकर फ्रॉम हॉकिंस फ्यूचुरा। ये भी सेम एनोडाइज्ड मटेरियल से बना हुआ है और ये 3.5 लीटर की कैपेसिटी का है और ये मेरे पास करीब तकरीबन 5 या 6 सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि अभी भी कितना नया जैसा ही दिख रहा है, इवन स्टिकर भी बिल्कुल नया, ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम से ही इसको यूज़ करना शुरू किया है। बट फ्रेंड्स, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है। ये है इसकी लिड एंड दिस इज़ द कुकवेयर फ्रॉम इनसाइड। ये कुकर बहुत अच्छा है एंड कैपेसिटी वाइज भी, अगर आप अपनी किचन में ज़्यादा बर्तन नहीं रखना चाहते हो और एक मल्टीपर्पज़ यू नो कुकवेयर चाहते हो, तो ये बहुत अमेजिंग है क्योंकि इसमें आप दाल से लेके पुलाव, बिरयानी, हलवा, यू नेम एनीथिंग, और आप इसमें कुक कर सकते हैं। इनफैक्ट नान आप इसमें लगा के कुक कर सकते हो। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है एंड ड्यूरेबल भी है और मैं इसे काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इससे काफ़ी खुश हूँ और ये मेरी एवरीडे कुकिंग का पार्ट है। एंड इसका जो देखिए आप अंदर से भी कितना एज इट इज़ ही है, जैसा शुरू में आया था वैसा ही है। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो विसिल है ना, आपको इसके साथ थोड़ा सा अडैप्ट होने में टाइम लगेगा, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टाइम में ही विसिल बजा देता है। तो इनिशियली अगर आपको आइडिया है कि आपकी कोई डिश है वो 3 विसिल्स में पकती है और इसमें भी 3 विसिल आ गई हैं, तो नो, आपको इसके विसिल्स अलग से आपको ना यू नो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, बिकॉज ये बहुत क्विक विसलिंग करता है। सो दैट वेज अगर आप 3 विसिल में कोई चीज़ आपकी पुरानी कुकर में पकती थी और आप सोचो कि इसमें 3 विसिल्स में हो जाए तो वो कच्ची ही रहेगी, आपको कुछ ज़्यादा विसिल्स इसमें लगानी पड़ेंगी। अदरवाइज इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, ऐसा कोई इसका ज़्यादा कॉन नहीं है, मुझे तो प्रोज ही प्रोज नज़र आते हैं इसमें। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है ये तवा। ये भी देखिए, ये मेरे पास है तकरीबन 10 सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी कुकिंग में हर दिन यूज़ होता है क्योंकि पराठे वगैरह बनाते हैं, तो दैट वेज ये साइड साइड में थोड़ा सा ब्लैक हो गया है क्योंकि गैस पे जल जाता है, बट ये ऑयल का ही जलना है। ऐसा नहीं है कि इसका जो ये जो मटेरियल है, जो भी इसके ये एनोडाइज है, इसकी लेयर निकलती है, तो आज तक ये बिल्कुल एज इट इज़ है, हर दिन मेरे घर में यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छा है। एंड हैंडल भी इसका देखिए कितना लंबा है, स्टर्डी है, ये गैस पे बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है और ना तो ये गिरता है और ना ही ये गर्म होता है, बिकॉज ये इतना लंबा दिया हुआ है। तो सो येस, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग हिट फ्रॉम दिस फ्यूचुरा रेंज। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बिकॉज मैं आपको 1 by 1 अपने सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू दिखा रही हूँ और उनके बारे में बता रही हूँ। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो भी है ये तड़का पैन, इसका रिव्यू मैंने रिसेंटली ही शेयर करा था। ये भी एक बहुत अच्छा अमेजिंग और वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं इसे फुल फ्लेम पे यूज़ करती हूँ तो थोड़े से इसमें मार्क्स स्टेन्स आ गए हैं, बट ऐसा नहीं है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका हैंडल इतना लंबा है तो इस वजह से ये गर्म भी नहीं होता है जल्दी से, और ये आपके किसी भी तड़के को प्रिपेयर करने के लिए बहुत काम का प्रोडक्ट है क्योंकि इसका जो ये बाउल है इसमें ना ये ज़्यादा जो जैसे स्प्लटर होता है या जब हम राई या जीरा ये सब डालते हैं तो उड़ के आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा गहरा है तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा तड़का बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। एंड ये थोड़ा हैवी भी है तो जिसकी वजह से तड़का जलता भी नहीं है। नेक्स्ट इज़ दिस माई रिसेंट परचेज, दिस कढ़ाई। फ्रेंड्स, ये भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, आप देख सकते हो, बस क्योंकि मैं इसे हाई हीट पे बनाती हूँ तो थोड़ा सा एक डार्कनेस आ गई है, जो कि मेरे कुकर में भी है जो 5-7 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अदरवाइज़ आप इसके साइड्स में देखिए, मैं इस पर यू नो मेटल का स्पैटुला भी यूज़ करती हूँ, बट कोई स्क्रैचेज नहीं है, हैंडल्स भी एज इट इज़ हैं, डेली वॉश में जाती है तो ये नहीं है कि यहाँ से कुछ ख़राब हो रही है। बैक साइड से आप देखिए, बिल्कुल एकदम वैसी के वैसी है जैसे day 1 को थी। इसकी कैपेसिटी 2.5 लीटर्स है और लेट मी शो यू द लिड, आप देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही चमकदार है जैसे कि day 1 को था। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये प्रोडक्ट्स किस टाइप के हैं, कैसे हैं, ड्यूरेबल हैं या नहीं है।
इन चारों प्रोडक्ट्स को मैंने एक साथ नहीं लिया है, अलग अलग लिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये था, फिर देन माय कुकर, देन माय तड़का पैन, एंड अभी लेटेस्ट एडिशन इज माय कढ़ाई। लेकिन क्योंकि इन सब के परफॉर्मेंस इतने अच्छे थे तो मैं वन बाय वन इनको अपने किचन में ऐड करती गई, और अभी नाउ आई हैव अ कम्प्लीट सॉल्यूशन फॉर कुकिंग। कुछ भी बनाइए, आपके सारे कुकवेयर्स एकदम न्यू जैसे रहेंगे। जैसे नॉनस्टिक पैन्स में होता है ना कि कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होने लग जाते हैं, उनका नॉनस्टिक निकलने लग जाता है, तो एक टाइम के बाद हमें उन्हें डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। बट अभी इनके साथ तो ऐसा नहीं है कि मुझे इनको डिस्कार्ड करने का टाइम आ गया है, ये अभी बहुत चलने वाले हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ड्यूरेबल हैं, तो मैं बार बार इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करूँगी। दीज हॉकिंस अपने जो उसका नाम है उसने बिल्कुल इन्हें मेंटेन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरा ये रिव्यू, मेरे ये प्रोडक्ट्स पसंद आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।